हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल टारगेट टेट में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि टेट से रिलेटेड है, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग रिलेटेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होता है उसके पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सिमिलैरिटीज इनमें क्या होती है। पहली चीज़ जो डिफरेंस होती है, जो सिमिलैरिटी होती है, वो ये कि दोनों मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, दोनों यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तीसरी चीज़ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफ़ी बड़े साइज में पाए जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। गाइस, प्लांट सेल जो होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। तो अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। जो कॉन्सेप्ट था सेल थ्योरी का, जो ऑरिजिनेट किया था, उनका नाम था शेल्डन एंड स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था 1838 में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल का कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो कॉन्सेप्ट दिया था शेल्डन एंड स्वान ने 1838 में, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। सेल एग्जिस्ट इन एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ साइजेस। जो सेल होती है उनके कई सारे साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं। जैसे लिविंग बींग्स के लिए जो सेल्स होती हैं, जो हमारे इंडिविजुअल बॉडी के सेल्स होते हैं, वो स्क्वायर शेप्ड होते हैं और इनका जो काम होता है वो होता है ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। तो ये जो बेसिक जो फंक्शन होते हैं सेल के वो ये होते हैं। इससे अलग अगर देखा जाए प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल का काम क्या होता है? प्लांट सेल जो होती है उसका काम होता है मिनरल को ट्रांसफ़र करना, वाटर ट्रांसफ़र करना, स्ट्रेंथ देना। अब गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और आता है, वो ये कि एनिमल की जो सेल्स होती हैं काफ़ी कोमल होती हैं। इट मींस कि एनिमल क्या करता है, अगर बारिश हुई तो एनिमल अपने आप की रक्षा कर सकता है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो वहाँ पे भी इंसान अपनी रक्षा कर सकता है ना, घर में जाके या फिर कहीं छाँव में पेड़ की जाके वहाँ अपनी रक्षा कर सकता है। पर गाइस, पेड़ जो होते हैं उनको तो कितना भी स्ट्रांग बारिश हो, कितना भी स्ट्रांग धूप हो, उनकी रक्षा करने वाला तो कोई नहीं होता। वो उतनी धूप में भी कड़ी वहीं खड़े रहते हैं और बारिश हो तो भी वहीं खड़े रहते हैं। इस वजह से क्या होता है गाइस कि जो एनिमल सेल होता है उनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उन्हें काफी केयर की जरूरत होती है। इसलिए उनकी जो सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल के इंटरनल एटमॉस्फेयर को एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती और जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल बनी रहती है सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज एक स्टार्च है। गाइस, सेलुलोज से जुड़ी एक और बात है कि सेलुलोज एनिमल बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जो सेलुलोज की बनी है तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, एज इट इज बाहर आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। गाइस, अब एक कंपैरिजन चार्ट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो मीनिंग जो है, पहले मीनिंग के बेसिस पे समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल को हम कहते हैं द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किंगडम प्लांटे। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल जो होता है वो किस किंगडम को बिलोंग करता है? प्लांटे को, जबकि एनिमल सेल बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया को, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस हुआ। दूसरी चीज़ जो होती है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि वैक्यूल्स काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल होता है उसमें कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि वैक्यूल्स छोटी मात्रा में पाए जाते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो डबल बाउंडेड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे है कि एनिमल सेल जो होता है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। आगे बढ़ चलते हैं। सेल साइज। गाइस, अगर सेल के साइज की बात की जाए तो सेल का साइज जो होता है जनरली बहुत ही बड़े से लेके छोटे साइज में सब में अवेलेबल होता है प्लांट में, पर जनरली लार्जर होता है और उसका जो साइज होता है ना और शेप होता है फिक्स्ड होता है, जबकि जो प्लांट एनिमल सेल होता है वो
काफी छोटी साइजेस में पाया जाता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अब बारी आती है सेल शेप की। तो एनिमल सेल का जो शेप होता है वो जनरली राउंड होता है, जबकि प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब बात आती है सेल वॉल की। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल होता है वो एनक्लोज होता है एक रिजिड सेल वॉल में, ठीक है। अभी हमने बात की थी सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है? एक सेल का आउटर जो लेयर होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है उसका आउटर एटमॉस्फेयर से, तो उससे हम कहते हैं सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल होती है ना उसमें सेल वॉल ये पाई जाती है, सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल बनी होती है किससे? सेल्युलोज से, जनरली सेल्युलोज से बनी होती है। पर एनिमल सेल में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, और उस पे सेल वॉल की जगह अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी साइटोप्लाज्म को आउटर एटमॉस्फेयर से आउटर एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए कोई मेम्ब्रेन चाहिए ना। तो प्लांट के पास ऐसी एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग को क्या करती है? सेल को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है एनिमल्स के केस में, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है, पर कहाँ होता है? बिल्कुल साइड में सेल के। जैसे ये सेल है तो उसके बिल्कुल साइड में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस होगा वो सेल के बीच बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ चलते हैं सेंट्रियोल्स पे। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? सेल डिवीजन इनका काम होता है। अब गाइस ये तो पता है कि प्लांट सेल जो होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो क्लीवेज होता है कैरियोकाइनोसिस वो बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से इसमें क्या होता है सेंट्रियोल्स एबसेंट होते हैं। जबकि एनिमल सेल में, क्योंकि भाई एनिमल सेल हाईली रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी रिप्रोड्यूसिंग पावर हाई होती है, इसलिए प्लांट सेल में एबसेंट होती है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे लाई करता है? ये सेंटर ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। सॉरी, ये क्या होता है, कहाँ पे लाई करता है? सेंट्रियोल वैसे तो सेंटर में होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो सेंट्रियोल्स बिल्कुल पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, किनारे किनारे चले जाते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो क्या प्रोवाइड करते हो? पिगमेंट प्रोवाइड करते हो सेल को, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनेल्स को हम जानेंगे किसके नाम से? प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट सेल में जो प्लास्टिड पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। अगर एनिमल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एनिमल के रेस्पेक्ट में एब्सेंट होता है, इसलिए क्योंकि जो एनिमल की बॉडी में पिगमेंट पाया जाता है ना वो उनकी स्किन में ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उन्हें कोई अलग से ऑर्गेनेल स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर एनिमल प्लांट सेल के केस में देखा जाए तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और उस प्लास्टिड्स का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। अब गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट तीन टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तीन टाइप्स के कलर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा कलर होता है? पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, और जो आखिरी होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। अब तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमेशा ग्रीन कलर स्टोर करता है, यानी क्लोरोफिल स्टोर करता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट होता है वाइट कलर, यानी वाइट कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आप वाइट और ग्रीन कलर को छोड़ के आप पौधों में जो भी कलर देखते हैं ना, तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे वो हरा हो, चाहे वो बैंगनी हो, लाल हो, पीला हो, तो सारे कलर कौन से प्लास्टिड्स प्रोवाइड करते हैं? क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़ चलते हैं सीलिया पे। सीलिया क्या होता है? सीलिया लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सेल है, सेल के किनारे बहुत छोटे छोटे पतले पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें ही हम सीलिया के नाम से जानते हैं। तो गाइस प्लांट सेल जो होता है, प्लांट तो लोकोमोशन की जरूरत है ही नहीं प्लांट को, क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं फिजिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट के रेस्पेक्ट में सीलिया एबसेंट होता है, पर
एनिमल सेल, क्योंकि उसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत है, वो लोकोमोट करते हैं यानी कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सीलिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल सेल में, उनकी मूवमेंट में। आगे बढ़ चलते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। अब आप सोच रहे होंगे प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है। प्लांट्स के केस में क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होती है एक पतली सी थ्रेड लाइक ओपनिंग से। तो ये जो थ्रेड लाइक ओपनिंग होती है, दोनों सेल्स के बीच में कनेक्शन होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा के। ठीक है, तो गाइज ये जो स्पेशल फीचर होता है सेल के बीच में कनेक्शन का, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसलिए हम कहते हैं कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। अब बात करते हैं टाइट जंक्शन यानी कि डेस्मोसोम्स की। डेस्मोसोम्स क्या करते हैं कि सेल को एक टाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? इंटरसेलुलर स्पेस चाहिए। जबकि सॉरी, एनिमल सेल में क्या चाहिए? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं चाहिए। इसलिए एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल जो होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, उनको स्पेस नहीं चाहिए, इस वजह से यहाँ पे टाइट जंक्शन एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, तो पावर हाउस क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एनिमल सेल में, क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की खपत जहाँ ज़्यादा होगी माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ज़्यादा होंगे, इसलिए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्लांट सेल में, क्योंकि वहाँ एनर्जी की खपत बहुत ही कम होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम नंबर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो अपने अंदर स्टोरेज बैग का काम करते हैं, स्टोर करते हैं सेल के कंटेंट को। जैसे अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, तो इन सबको स्टोर करने का काम वैक्यूल का होता है। तो प्लांट सेल में ये ह्यूज वैक्यूल्स काफी बड़े बड़े साइज के होते हैं, जैसे पूरी प्लांट सेल है इसमें इतने बड़े बड़े साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये बहुत ही कम नंबर में होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसलिए हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? प्लांट सेल में रेयरली नोटिस्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल वॉल के थ्रू, क्योंकि सेल वॉल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनस की तरह एक्ट करती है, तो सेल वॉल से वेस्ट मटेरियल अपने आप ही ट्रांसफर हो सकता है इधर से उधर, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम नोटिस होते हैं, जबकि एनिमल सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस रिजर्व फूड की। तो प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि जैसे हम अपने फूड मटेरियल्स को अगर स्टोर करना चाहें तो हमें चाहिए होगा ना कोई हॉट केस टाइप का जिसमें हम स्टोर कर सके, तो ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स जो होते हैं अपने खाने को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल जो होते हैं वो अपने खाने को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। गाइस एक चीज़ और, जो ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है, जबकि स्टार्च जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है और गोल्गी बॉडी में स्टोर होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो गोल्गी बॉडी के थ्रू लाइसोसोम्स बनकर सेल से बाहर चला जाता है। अब बात होती है सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। जो प्लांट सेल है वो अपने अंदर अमीनो एसिड्स और विटामिन्स और कोएंजाइम्स को सिंथेसाइज करती है, जबकि एनिमल सेल क्या सिंथेसाइज करती है? सारी अमीनो एसिड्स को और विटामिन्स को और कोएंजाइम्स, जो भी उनकी बॉडी में चाहिए वो सारे एंजाइम्स को और सारे विटामिन्स को वो रिलीज कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। अब बात की जाए साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल
सेल के बीच से कट जाना कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस सेल में होता है सेल प्लेट के अंदर ओनली, प्लांट्स में। प्लांट्स के केस में साइटोकाइनेसिस होता है सेल के प्लेट में, जबकि एनिमल्स में क्या होता है, फरोज टाइप की कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है। इट मीन्स ये जो सेल हमने यहाँ देखा, एनिमल्स के केस में क्या होता है, ये ऐसे टाइप का, जब सेल को डिवाइड होना होगा तो सेल ऐसे टाइप का गड्ढा अपने अंदर बना लेती है और धीरे धीरे यहाँ से कटते कटते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है ना। अब बात आती है गाइस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। हमने पढ़ा है हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन सी सेल किस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकती है। पहले बात करेंगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन की। एक सेल के अंदर जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा रहेगा और सेल के अंदर कम रहेगा, तो इस कंडीशन को हम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाइपरटॉनिक क्या होता है, जब भी सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के बाहर कम होगा, तो इस टाइप के कंडीशन को हम हाइपरटॉनिक बोलेंगे। लेकिन अगर सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन बाहर के कंसेंट्रेशन के बराबर होता है, तो इसे हम आइसोटॉनिक के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल कभी भी बस्ट नहीं होती है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में, यानी कि अगर बाहर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर का कंसेंट्रेशन कम होता है, तो सेल कभी बस्ट नहीं करती है। जबकि सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब भी सेल के बाहर का कंसेंट्रेशन कम होता है और अंदर का ज़्यादा हो सॉरी जब भी सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन कम होगा और बाहर का ज़्यादा होगा, तो प्लांट सेल कभी बस्ट नहीं करेगी, जबकि एनिमल सेल बस्ट हो जाती है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये गाइस जो बेसिक डिफरेंसेस थे, बेसिक से लेके डीप डिफरेंसेस के बारे में आज हमने बात की अपने वीडियो में। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के दूसरे सेक्शन की, जो है मोटिवेशनल कोट्स की। तो गाइज आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, जब बात की हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो आज हमारा मोटिवेशनल कोट भी इसी से रिलेटेड होगा। गाइज प्लांट्स में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, पर सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, नोटिस करने वाली है, वो आपने देखा होगा कि पौधे चाहे कितनी भी बारिश आए, चाहे कितनी भी धूप आए, सब झेलने की क्षमता रखते हैं। जबकि एनिमल्स, आजकल तो आप सभी ने ट्रेंड देखा होगा कि धूप में लड़कियां जाती हैं तो स्कार्फ पहन लेती हैं। तो गाइस जब हमें भगवान ने सबसे सुपीरियर क्रिएचर बनाया है, भगवान ने हमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट बना रखा है, तो क्या हम इन चीज़ों से बच के नहीं रह सकते, रह सकते हैं। तो गाइस प्लांट्स जो होते हैं वो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इंसानों के कंपेरिजन में, क्योंकि जितनी भीषण गर्मी और बरसात झेलने की टेंडेंसी प्लांट्स में होती है, उतनी एनिमल्स में नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है एक चीज़ से दूर हटने की, पर प्लांट्स के अंदर कभी नहीं पाई जाती। तो गाइस इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्लांट होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्लांट्स हमेशा हमें देते हैं ऑक्सीजन, पर हमसे कुछ लेते नहीं हैं, उनसे हमें सिर्फ केयर चाहिए होती है। हम उनको अपने बदले में क्या देते हैं, कुछ नहीं। आजकल आप हम सभी जानते हैं कि लोग कितना पेड़ काट रहे हैं घर बनाने के लिए, पर गाइस ये जो पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ी है, तो क्या हमारी वजह से नहीं बढ़ी? आज एक एक पेरेंट्स के पास तीन तीन बच्चे हैं, चार चार बच्चे हैं, उन चार बच्चों के और ज़्यादा बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हमारी ही वजह से बढ़ रही है पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम सभी को एक मेजर स्टेप ये लेना चाहिए कि एक कपल को सिर्फ एक टाइम में एक बेबी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो कपल्स के पास, एक तरीके से देखा जाए तो कपल्स के पास ये रहेगा कि पॉपुलेशन बढ़ाने में उनका कोई रोल नहीं। और गाइस सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके पास बेबी नहीं है, तो आपको किसी भी सेंटर में ले जाकर अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस बच्चा तो बच्चा होता है। वो बच्चे जो ऑर्फनेज में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं, उन्हें भी पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अपना ट्रीटमेंट कराने की बजाय अगर आप उन बच्चों को गोद लें, तो कहीं ना कहीं आपको एक बच्चा मिल जाएगा और उस बच्चे को एक पेरेंट मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस रूढ़िवादिता से हटिए जो पुराने ज़माने में थे।
आप नए जमाने के लोग हैं, नए तरीके से सोचिए। इस पहले ही हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है गाइस। तो वो जो स्टेप्स होते हैं जो हमारी पृथ्वी को या फिर हमें बचाएंगे, वो स्टेप्स हमें खुद को लेने हैं। एनिमल्स या प्लांट्स नहीं लेने वाले, हम इंसानों को ही लेना होगा। तो प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा एडवांस रखिए, लिबरल रखिए, दूसरों के लिए दया रखिए, ताकि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो। बच्चा गाइस किसी का भी हो, चाहे वो इंसान का हो या फिर जानवर का, बच्चा बच्चा होता है। और प्लीज़ जब आप अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेने की बात सोच रहे हो, तो गाइस ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अपना ट्रीटमेंट करवा के लाखों रुपए खर्च करने से कहीं ज़्यादा बेटर होता है कि आप अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेकर आए, ताकि उसे भी एक पेरेंट्स का प्यार मिल सके। आई होप गाइस मेरी बातों से आप सभी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर हुआ होगा तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहती हूँ। पर गाइस ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी प्लांट्स लगाएंगी और प्लांट्स को बिल्कुल भी काटेंगे नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर को हरा बनाए रखेंगे, अमृता को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय।